गौरा चौराहा क्षेत्र में 58 गांव बाढ़ के पानी से घिरे, राहत बचाव कार्य जारी। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती टुडे न्यूज। बता दें कि बलरामपुर जिले में राप्ती नदी के बाढ़ का कहर गौरा चौराहा क्षेत्र के 50 गांवों में शुरू हो गया है। जलस्तर तेज रफ्तार से बढ़ रहा है, बाढ़ से 58 गांव घिरे हुए हैं। कई गांव में पानी घुस गया है। बेलहा गौरा मार्ग पर परसा स्थित पेट्रोल पंप से राम जीवन भट्टा तक लगभग 5 फीट पानी हाईवे पर बह रहा है। गौरा चौराहा तुलसीपुर मार्ग पर बुसैलवा व दतरा रंगवा डीप पर 7 फीट पानी बह रहा है। बहने के वजह से आवागमन बाधित हो गया है। भोजपुर से अमरनगर मार्ग पर नाव से दर्जनों गांवों के लोग आवागमन कर रहे हैं। गौरा चौराहा क्षेत्र में 53 गांव के बीच मात्र 4 नाव उपलब्ध हैं। क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक व लेखपाल ने बताया कि उतरौला मार्ग पर पानी आ जाने से ट्रैक पर लदी नाव गौरा तक नहीं पहुंच सकी। जिला स्तरीय प्रशासन बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए पूरी तरह तैयार है। गौरा क्षेत्र में हनुमानगढ़ी महंत बलरामपुर की तरफ से लंच पैकेट की व्यवस्था की गई है। प्रशासन की ओर से अभी तक कोई राहत सामग्री बाढ़ पीड़ितों को उपलब्ध नहीं कराई गई है। अनुमान है कि सोमवार को बाढ़ बेकाबू हो सकती है। गौरा चौराहा पर प्रशासन द्वारा ग्रामीण इंटर कॉलेज को जहां बाढ़ चौकी बनाया गया है, वहां 7 फीट से ऊंचा पानी बह रहा है। जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बाढ़ चौकियों को 24 घंटे प्रभावितों की मदद के लिए सक्रिय रहने के निर्देश दिया गया है। सूचना तंत्र को भी सक्रिय कर दिया गया है। क्षेत्र में ग्राम सिगवापुर, दतरंगवा, निवारी, फतेहपुर, हैदरगढ़, महरी, देवलहा, वीरपुर, खजुरिया, घोपलापुर, कलंदरपुर, जमाली जोत, विश्रामपुर गांव पानी से घिर गए हैं। बाढ़ प्रभावितों की हर संभव सहायता के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है।